Hey guys, welcome to my channel. कैसे हो आप सभी लोग? I just hope आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप लोग इजी तरीके से साड़ी पहन सकते हैं. अगर आप लोगों को भी साड़ी पहनना नहीं आते हैं तो मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है. आप लोगों को मेरी इस वीडियो के थ्रू ये पता लग सकता है कि आप लोग किस तरीके से साड़ी पहन सकते हैं. मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, मेरे को ज्यादा अच्छे से साड़ी पहननी नहीं आती. हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे पहननी आती ही नहीं है, आती है मुझे पहननी, लेकिन मैं सिंपल तरीके से ही पहनती हूँ. ये नहीं कि मैंने उसका कोई और सा लुक दे दिया साड़ी को, ऐसा नहीं है. सिंपल तरीके से मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ तो वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आप लोगों के ससुराल में आप लोगों को साड़ी पहनना पड़ता है और आप लोगों को साड़ी पहननी नहीं आती है तो आप लोग इजी तरीके से पहन सकते हैं साड़ी. आप लोगों ने मुझे देखा ही होगा, मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ. यहाँ पे तो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ. अगर ससुराल जाती हूँ उत्तराखंड में तो वहां पे मैं पहनती हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे बहुत कम पहनती हूँ. लेकिन फिर भी मुझे साड़ी पहननी आती है तो मैंने सोचा चलो अपनी एक वीडियो बना देती हूँ, उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी जिन लोगों को साड़ी पहनना नहीं आती है. गाइस, आज है 14 मई और मुझे अभी इसी टाइम ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है. मैंने साड़ी की वीडियो तो बहुत दिन पहले शूट कर ली थी लेकिन उसमें मेरी एक क्लिप डिलीट होगी जिसमें मैंने ये सारा बताया हुआ है, वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी तो इसीलिए मुझे इसे अभी दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि गलती मेरी ही है. मैंने देखा नहीं कैमरे से और मेमोरी कार्ड लिया और जो जो वीडियो चाहिए थी ले ली और सारी डिलीट मार ली. मैंने देखा नहीं कि मेरी एक वीडियो की एक क्लिप भी उससे डिलीट हो गई. अब छोड़ो, ये चीजें तो चलती रहती है लाइफ में. तो चलिए मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करती हूँ, आपको सीधा दिखाती हूँ किस तरीके से आप लोगों ने साड़ी पहनना है. तो गाइज, अब मैं यहाँ पे साड़ी पहनना स्टार्ट कर रही हूँ. तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी ले ली है, फिरोजी कलर की मैंने साड़ी ली है. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये कलर तो मैंने ये साड़ी ले ली है. और देख सकते हैं आप, जहाँ से ये साड़ी का फॉल लगा रहता है ना, जो साइड का होता है, सबसे कोना होता है, वहां पे हमने क्या करना है, एक गांठ बना लेनी है. ये गांठ क्यों बनानी है मैं आपको बता देती हूँ. इस गांठ को बनाने से ऐसा होता है, हमारी जो साड़ी का, कई लोगों का होता है ना, जो सबसे पहला जो ये साड़ी का कोने वाला वो पल्ला जो लगाते हैं ना, वो खिसक जाता है अगर वो साड़ी पहनती हैं तो, वो नीचे ज़्यादा लंबा दिखता है. तो इसी वजह से हमें ये यहाँ पे गांठ लगानी चाहिए. इससे क्या होता है, हमारी साड़ी बिल्कुल भी नीचे नहीं खिसकती है और एकदम परफेक्ट रहती है. अगर खुलने का भी होगी तो खुलेगी नहीं, इसीलिए गांठ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो जहाँ पे हमारे ब्लाउज का ये सिलाई रहती है, यहाँ पे से हमने इसे अपने पेटीकोट के अंदर जो गांठ मैंने बनाई है इसे डाल दूंगी और चारों तरफ इसे अच्छे से मैं अंदर डाल दूंगी. और अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि जो मैं पल्लू लूंगी वो पल्लू मुझे कितना चाहिए, उसे मैं अलग कर दूंगी. तो इतना मुझे पल्लू चाहिए तो इसे मैं पीछे रख दूंगी. काफी सारे लोग इसे आगे से ले लेते हैं गले में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं पीछे रख लूंगी. तो इतना मेरे पास ये बचा हुआ है साड़ी एक्स्ट्रा. तो अब मैं इस साड़ी के जो प्लेट्स हैं उन्हें बनाऊंगी. तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ. यहाँ पे मैं जितनी मेरी एक्स्ट्रा साड़ी बची है उनकी अच्छे से प्लेट्स बना लूंगी. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने सारे फिंगर का यूज कर रही हूँ. काफी सारे लोग सिर्फ दो ही फिंगर का यूज करते हैं, फ्रंट और जो लास्ट होता है, लेकिन मैं अपने सारे फिंगर का यूज करती हूँ. और आप लोग देख सकते हैं मेरी प्लेट्स जो बनी है बिल्कुल अच्छी बनी है, जैसे नॉर्मल अगर हम साड़ी पहनते हैं वैसी प्लेट बनी हुई है. तो अभी मैं इन सारे प्लेट को अच्छे से सेट करूंगी. ऊपर से भी हमें सेट करना होता है, नीचे से भी हमें सेट करना होता है, दोनों साइड से हमें सेट करना पड़ता है. उसके बाद मैं इसे टच कर लूंगी. मेरे प्लेट बन चुके हैं तो मैं इसे टच कर दूंगी. इसके बाद मैं दोबारा से अपने प्लेट को सही करने की कोशिश करूंगी क्योंकि जो हमारे नीचे का जो बॉर्डर होता है साड़ी का, वो थोड़ा, अगर हम ऊपर से अपने साड़ी के प्लेट्स निकालते हैं तो नीचे का जो बॉर्डर होता है वो प्लेट्स को सही से नहीं आने देता है. तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि पहले ऊपर से हम सही करें फिर नीचे से, जहाँ से हमारा साड़ी का बॉर्डर है वहाँ से सही करें. तो आप लोग देख सकते हैं साड़ी की जो प्लेट्स हैं वो बहुत अच्छे से बन चुकी है. और अब मैं बनाऊंगी जो ऊपर के पल्लू है उसका प्लेट मैं बनाऊंगी. तो ये जो बॉर्डर था मेरी साड़ी का उसे मैं यहाँ पे टचअप करूंगी. अगर आप लोग चाहें तो ब्लाउज पे एक पिन लगा के भी उसे टचअप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगाना है. तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले जो मेरा साड़ी का पल्लू है उसकी प्लेट बनाऊंगी. तो उसी तरीके से मैं उसकी प्लेट बनाऊंगी जिस तरीके से मैंने पहले प्लेट बनाई थी. तो यहाँ पे मैं अपने दो फिंगर का यूज कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकेंड. तो यहाँ पे मैं अपने दो फिंगर का यूज़ करूँगा, छोटी छोटी प्लेट बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा चौड़ा पल्ला मुझे नहीं रखना है. तो छोटी छोटी प्लेट बनाऊंगी. अब मैं इन सारी प्लेट को सेट कर लूँगी अच्छे से. मेरी प्लेट
अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसे एक पिन से टचअप कर लूँगी। हमें ये ध्यान रखना होता है जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो जो हमारा पल्लू होता है ऊपर का, उसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इससे हमारा एक तो साड़ी फटने का डर रहता है, ऊपर से हमारा पल्लू खुल भी जाता है, तो इसीलिए इसे हल्का लगाना है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है पल्लू को। सो गाइज, देख सकते हैं आप लोग मेरी साड़ी लग चुकी है। आई होप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा जो मैंने ये सिंपल सा साड़ी पहनना आप लोगों को सिखाया। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।